हेलो एवरीवन हाउ आर यू बच्चो आई होप यू ऑल आर सेफ एंड वेलकम टू फन एंड लर्न होम लर्निंग बच्चों आज हम आपका स्टैंडर्ड फिफ्थ में द टॉकेटिव बारबर का वो सॉल्यूशन है उसमें मैं आपको एक एम सी वो सिखाने वाली हूँ और वो है उसका पार्ट थ्री तो आप रेडी हो बच्चों सो अस स्टार्ट तो बच्चे शुरू करते हैं द टॉकेटिव बारबर टॉकेटिव बारबर का ये है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन राइट बच्चों तो ये उसका एम सी क्यू चूज द करेक्ट ऑप्शन है कि उसमें फर्स्ट देखते हैं कि फर्स्ट है द बारबर वॉज वेरी क्वाइट टॉकेटिव पेशेंस के इम पेशंस तो बारबर कैसा था तो वो आंसर आएगा टॉकेटिव सेकेंड नंबर इंस्टेड ऑफ शेविंग द सुल्तान द बार्बर तो शे सुल्तान वो शेविंग करने की जगह क्या करता था वो बार्बर तो स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप तो वो नॉन स्टॉप बातें कर रहा था राइट थर्ड नंबर देखते ओके okay? तो द दार्बर हैड डैश ब्रदर्स बार्बर को कितने ब्रदर्स थे सिक्स according to the barber he was the quietest brother right so he was the quietest brother matlab uske jo bhai the wo kaise the to quietest brother matlab kya ki उसके जो brother थे वो एक बोलता नहीं था एक सुन नहीं सकता था right? Okay, fifth number देखते हैं The Sultan offered डे टू द बार्बर के सुल्तान ने बार्बर को क्या ऑफर किया तो थ्री गोल्ड कॉइन्स राइट सिक्स नंबर देखते हैं द बार्बर रिफ्यूज टू लीव द सुल्तान हाउस बिकॉज द सुल्तान हैड ऑर्डर्ड हिम टू कम तो बार्बर ने बारबर ने क्या किया सुल्तान के हाउस से वो वहाँ से जाने के लिए वो वहाँ से चला गया क्यों बिकॉज सुल्तान ने उसको सुल्तान हैड ऑर्डर्ड हीम टू कम कि सुल्तान ने उसको ऑर्डर किया था राइट उसको आने के लिए इसलिए उस वो बारबर ने जाने के लिए मना कर दिया कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा शेविंग किए बिना आगे देखते हैं सेवन नंबर द सुल्तान वॉज इन हरी सुल्तान जल्दी में क्यों था बिकॉज ही हैड इन्वाइटेड हिज फ्रेंड्स फॉर अ फीस्ट एट नून क्योंकि उसने अपने फ्रेंड्स को नून में दोपहर में वो फीस्ट के लिए इनवाइट किया था यहाँ पे बच्चों फीस्ट का मतलब है दावत आगे देखते हैं एट नंबर के द बार्बर हैड फॉर गॉटन ही हैड इन्वाइटेड फ्रेंड कि बार मतलब भूल जाना तो वो क्या भूल गया था तो वो भूल गया था कि उसने अपने फ्रेंड्स को भी इन्वाइट किया है नाइन नंबर द सुल्तान वॉन्टेड टू गेट रीड ऑफ द बारबर सो ही ऑफरड ही ऑल द फूल डेट वॉज प्रिपेड फॉर इज फीसट तो सुल्तान वो बारबर को क्या ऑफर किया तो सुल्तान ने बार बारबर को कहा कि तू सारा जो फूड है वो 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 फीस्ट के लिए जो उसने अपने फ्रेंड्स को दावत दी थी तो वो ऐसा बोलता है सुल्तान को कि मेरे फ्रेंड्स के लिए मुझे आप वो फूड बना के दो खाना बना के दो राइट टेन नंबर देखते हैं द सुल्तान सॉरी द बारबर डिमांडेड अलोंग विद द फूड तो बारबर ने किसके किसका डिमांड किया यहाँ पे डिमांड मतलब उसने क्या मांगा तो फ्रूट्स फॉर डेजर्ट तो उसमें डेजर्ट में उसने फ्रूट्स मांगे राइट right? कि डेजर्ट का मतलब यहाँ पे जो खाने के बाद खाने के बाद हम वो कोई मीठा खाते हो तो उसमें उसने फ्रूट्स लिए फ्रूट्स कहा कि मुझे फ्रूट्स चाहिए इलेवन नंबर है द बारबर टोल्ड द किंग दैट ही वॉज वेरी जनरस के बारबर ने ऐसा बोला कि किंग कैसा है जनरस जनरस का मतलब यहाँ पे क्या है उदार कि वो उसको गोल्ड कॉइन गोल्ड पीस पीसीज उन्हें दिया फ्रूट्स दिया राइट right बच्चों अब उसके ट्रू और फॉल्स देखते हैं उसमें फर्स्ट है द बार बार वॉज सेविंग द सुल्तान बियड तो वो गलत है कि बार बार वो है वो सुल्तान के हेयर कट करने आया था बियर्ड्स नहीं, बियर्ड नहीं यहाँ पे बियर्ड का मतलब क्या है दाढ़ी द सुल्तान गेव हिम थ्री मेटल कॉइंस तो वो भी फॉल्स है उन्होंने मेटल कॉइंस नहीं दिए थे गोल्ड कॉइंस दिए थे द बार बार अग्रेड टू लीव द सुल्तान पैलेस तो बारबर ने वो सुल्तान के पैलेस से बाहर जाने के लिए वो अगरी हो गए अग्रेड मतलब यहाँ पे सम्मत होना देर वर सेवन ब्रदर्स ऑल टूगेदर इन द स सुल्तान फैमिली तो वो भी गलत है कि सुल्तान की फैमिली में सेवन ब्रदर्स नहीं थे द बारबर वॉज वेरी टॉकेटिव तो वो ट्रू बार बार बहुत ही बातों नहीं था ओके okay बच्चों तो ये आपकी मैंने ये एम सी क्यू निकाला है स्टैंडर्ड फिफ्थ का इसके मैं आपको पी साथ में भेज रही हूँ तो ये आपका ये एम है वो आपको आपकी नोटबुक में स्टैंडर्ड मैंने जो फिफ्थ का टॉकेट बार बार आपको चलवाया है उसमें आपको नोटबुक में इसकी प्रैक्टिस करनी है और वो लिखना है ओके बच्चों और उसका रिवीजन करना है सो टिल धैन टेक केयर एंड बाय बा,